ये बदला लिया पहला बंदियां नूं कुटदे सी उन्होंने साडियां कुड़ियां नूं भी कुटिया। अप्रेंटिस लाइनमैन यूनियन सी यह जी ये कल का इन्होंने सवेरे 5 बजे का एक साइड रोड की ब्लॉक की हुई सी जिन्हां नाल बहुत बार असी राबता किया समझाया गया कि रोड ब्लॉक ना करो लोग तंग हो रहे हैं पब्लिक तंग हो रही है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ रही है इन्हां दी PSPCL के डायरैक्टर साहब नाल भी असी 2 बार मीटिंग कल भी कराई सी अज भी 2 बार मीटिंग कराई और इन्होंने इन्हूं ठोक के आश्वासन दिता कि मैं लिखती सुन दिना कि तुहाडियां जिहड़ियां हैगियां ने मंगां मन्नियां जाणगियां छेती ये एडामेंट सीगे जी ये कि असी अज ही सानूं लिख के दिओ जी अज ही सानूं भर्ती करो जी अज ही साडा नोटिफिकेशन जारी करो विच इज़ नॉट पॉसीबल एज पर लॉ अल्टीमेटली ये कहिंदा जी सारी रोड ब्लॉक करनी है जिन्हां नूं सवेर दा 11 बजे समझा रहे हैं भी रोड ना ब्लॉक करो तुसीं धरना लाना है तुहाडा हक है पीसफुल साइड पर बह के तुसीं अपना प्रदर्शन कर लो पर ये एडामेंट सीगे अल्टीमेटली इन्हां नूं उठाया गया इत्थों भजाया गया इत्थों और ठीक ठाक है बाकी नहीं कोई लाठीदार जी वैसे माड़ा मोटा चलो इन्हां नाल हल्का फुल्का 3 बारी कल होगी जी 2 बारी अज कराती जी AM ने साडे डायरैक्टर साहब ने प्रशासन सरदार जसबीर सिंह सुरसीवाला उन्होंने इन्हों 2 बारी लिखती आश्वासन भी देता इन्हों की मीटिंग भी असं थोड़ी मीटिंग करा देने पर धरना चक लो कहते नहीं असं नहीं चकना था देखते हैं जी असं चेक करते हैं जी वी विल टेक लीगल एक्शन जी असं स्ट्रिक्ट एक्शन लवेंगे जी असी लॉ एंड ऑर्डर नहीं असं किसी भंग करते कोई भी है वो देखते हैं जी असं कर रहे हैं जी वी विल हाँ जी कर रहे हैं जी कर रहे हैं वी विल टेक लीगल एक्शन जी मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी जथा मंडी है असं जी अप्रेंटिस लाइनमैन यूनियन संघर्ष 2690 मंगा भी धरना लाए सी की गल दस दो मंगा धरना लाए सी मैनेजमेंट ने साडी गलबात चल रही थी वधिया गलबात चल रही थी पर हरेक बार सानूं झूठे लारे दे रही सी जी अज भी असीं साडी मीटिंग हुई साडा कमल प्रधान मीटिंग ते गया जी उन्हां नूं पुलिस ने अरैसट कर लिया साडे कमल प्रधान नूं बिना नोटिस दित्ते सानूं डांगा मारियां जी एको ही गल कह रहे साडे तों प्रशासनिक ही दबाव हैगा साडे सरकार दा दबाव साडे ते भगवंत मान साहब सानूं कहिंदे स्पैशल फोन आ रहे आ सारा कुछ पता नूं पता साडियां फिर भी मंगां नूं अणगहिला करदे होए साडे ते लाठियां चुक भराईआं जी अज होर की कड़ी जगह खड़े तुसीं आ गए असीं जी हुण अपने खालसा कलोनी हैगी है जी उस दे नज़दीक खड़े हैं जी खालसा कलोनी दे कदों तक जड़े हो किन्नी देर जड़े हो असीं जी हुणे बस 10 मिंट ही होए सानूं चढ़े नूं जी किन्नी देर तक खड़े हो असीं जी जिन्नी तक साडियां गल्लां मंगां नहीं मन्नियां जांदियां जी जो फिलहाल बिल्कुल जायज़ मंगां साडियां जी ਉਨੀ ਮੰਨਦੇ ਉਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤੇ ਕਈਆਂ ਸਿਰ ਪਾਟੇ ਲੱਤ ਪਾਟੀ ਗਈਆਂ ਦੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ लवर रखा मेरे तेरे ये वही था यार ओ गद्दे बस करो ओए ओ बस गद्दे रहन दो गद्दे रहन दो कल्ला चक्का
मेरा नाम सोनम राणी है जी, ते असी PSPCL दी अप्रेंटिस लाइनमैन दी कीती हुई है जी। ते असी ना पिछले बारे सानू सरकार ने जो अप्रेंटिस हुई थी वह साडा एक इन्होंने एक साडे तो फार्म भरवाया सी कि PSPCL दी पोस्ट आई, उन्हें विच सानू इन्होंने नहीं रखा। फिर पिछली बारी साडा धरना शुरू होया 17 मई नू जी, उत्थे असी क्या नाम इन्होंने साढ़े तो वादा किया भी असी थानू नवा CRA देवांगे, तो इन्होंने लिखती रूप में भी पेश किया। पर हूँ अस अज असी 3 दिन तो उरे बैठे हैं, साढ़े वीर ते साड़ियां भैणा किन्नी किन्नी दूरों आके बैठिया ने, ते इन्होंने सानू कदे अज सादे मीटिंग ते मीटिंग देंदे रहे पर सानू इन्होंने CRA नहीं दिता। तो कल एक मीटिंग हुई सी उहदे विच इन्होंने साफ ना करती, तो एक अज मीटिंग दी सी उहदे विच भी इन्होंने साफ ना करती। तो साढ़े वीरां ते लाठीचार्ज करन तो बाद उन्होंने उन्होंने उत्थे तो उन्होंने मतलब धरना साडा चक्कण की कोशिश करदे नहीं सर, सानू कोई वार्निंग नहीं दित्ती, सानू कोई नोटिस नहीं इन्होंने दिता कि तुसीं पिछे हो गए बह जाओ, कुछ नहीं किया। सानू सीधा आए आ अंदरों निकले आ, डांगा लैके आए जी, जिवें आप बुचड़ खाने से आप बंदियां नू कुटदे गावां मझां नू मारदे जी, सीधा आ के उन्होंने लाठीचार्ज करता। कोई अपील नहीं की, कोई उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधा आ के लाठियां मारियां जी उन्होंने। कोई तो उन्होंने कहा नहीं वार नहीं, कोई सड़क दी लाठी नहीं मारी, सीधा आ के साडे हक्कां दे लाठियां मारियां जी। साडी मान सरकार नू इक्को इक बेनती है, जे हुण भी मान साहब जी मान साहब जे तुहानू कुछ नहीं दिखदा आ नौजवान टैंके चढ़े हुए टावरां ते, जे टावरां ते साडा हल नहीं हुंदा ते असीं मरन नू भी तैयार हाँ जी। जे अज लाठीचार्ज की असीं धरने होर भी लावांगे। ਸਾਡੇ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ CRA ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼ਨ ਡੁੱਲਾ ਨਾਮ ਆ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 7 ਵੱਜੀ ਆ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੀਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਨੀਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਾਈ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਈ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ CR ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, 2 ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਲਟਾਂ ਪਾੜੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਬਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ET 59 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 59-94 ਭਰਤੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ 59-94 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 59-94 ਫਰੈਸ਼ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ,
इन्होंने की किया यहोजी चाल चली राजनीतिक चाल चली जिंदे 2994 बैकलॉग पा दिता जिहड़ा कि सानू कदे पता ही नहीं सी भी साडा 2994 बैकलॉग भी हैगा जिहड़ियां फ्रैश पोस्टां हैगियां ने ओह 3000 कर दित्तियां गईआं हुण इह इहनां दी जिहड़ियां नीतियां ने ओह हैगियां ने नाम असीं 2994 दा लै दईए ते भर्ती जिहड़ी आ ओह 3000 दी कर दईए जिहड़े असीं चाहुंदे आ भी ओह 2994 दी 2994 सिंगल लिस्ट विच पूरी होवे जिहड़ियां इन्ना पेपर होया 10-14 हज़ार बच्चे ने पेपर दित्ता इह पूरियां करदे ने 3000 बाकी दा कैडर कित्थे जावेगा जिहड़े इन्ने इन्ने 6-6 महीने अकैडमियां चला के असीं इह सड़कां ते रुलदे फिरने आ अज टीचर डे वाले दिन जिहड़ा किसी भी समाज का रचेता हुंदा सानू अज सड़कां ते रुलाए फिरदे ने असीं इत्थे इन्नी तपदी गर्मी दे विच कित्थे असीं बच्चों नूं पढ़ांदे हुंदे अज किन्ने स्कूल खाली पए ने उत्थे टीचर नहीं पूरे हैगे ते इह सानू डंडे मारदे ने उत्तों प्रशासन द्वारा इह कहा जांदा हैगा कि इह साडे विच आग लगे ने साडे कोल सारियां वीडियो क्लिपां हैगियां ने जिहड़ियां असीं तुहानूं विखावांगे इह लेडीज़ पुलिस नूं इन्हां ने अगे ला रख्या सीगा भी लेडीज़ पुलिस दा किवें सहारा ले के इन्हां ने सानू जिहड़ियां डांगा मारियां ने इह पुलिस वल्लों कहना भी हैगा भी तुसीं बत्ती जी तुसीं देखो सर असी जी काफ़ी साढ़े कोई हथियार नहीं असी आपका रोस प्रदर्शन करन आए थे सानू करन देंदे असी नारेबाजी कर रहे थे सानू करन देंदे असी लगभग पिछले 2 महीने तो मीटिंगा कर रहे हैं कोई उन्दे चाल नहीं दिता जा रहा यह प्रशासन नू अगे ला के जदों भगवंत मान सरकार बनने वाली सी जदों ये वोटा मंगते फिरते उदों तां कह देंदे सी हमेशा साढ़े दरवाजे खुले होणगे जदों मर्जी आके मिलियो आ वेख लो जी इन्हां दे दरवाजे आ खुले ने बाहर हज़ारां दे हिसाब नाल पुलिस लाई हुई है 10-10 फुटे बैरीकेड लाए हुए ने असी कोई आतंकवादी है जिहड़ा सानू इत्थों रोकिया जा रहा असी इन्नी पुलिस का असी मुकाबला भी क्यों करना असी रोस प्रदर्शन करना आए हैं साढ़े नाल मंत्री मीटिंग करे साडा हल कढ़े सानू की लोड़ है सड़कों पर आने का असी अपना हक लेना है तो आपका हक लैके जावे असी फिर सीएम भगवंत मान साहब नू कहना चाहते हैं भी साड़ियाँ जिहड़ियां 2994 पोस्टां ने वह पूरी कर दो नहीं तो इस तो बाद तिखा संघर्ष करांगे गुप्त एक्शन करांगे इस तो भी तिखा होगा फिर ना कहने कि यह साड़ियाँ रैलियां भंग कर दे धन्यवाद सीएम साहब की कोठी असी अज अपने हक लैन आए थे साड़ी ईटीटी 2994 पोस्टा जिहड़ियां हैगियां उस इन्हां ने कढ़ियां सीगा उहदा पेपर हो गया जिन्ना भी कैडर इत्थे सारा पहुंचे उन्हां दीआं सारीआं शर्तां पूरीआं करदे हन ते सांदी इह मंग हैगी है कि वो साड़ी 2994 भर्ती साड़ी पूरी दी पूरी सानू सिंगल लिस्ट विच चाहिदी है बैकलॉग नू पूरा डी रिजर्व करके सिंगल लिस्ट विच चाहिदी है देखो भगवंत मान सिंह ने वादा किया सी कि असी अध्यापकों नू सड़कों के उत्ते नहीं रुलन देवांगे अज सारा मीडिया ये देख रहा है कि अध्यापक दिवस के दिन साड़ियां पैणां दीआं चुनियां लाईआं जांदीआं हन लत्तां मारीआं जांदीआं हन इस गल तो कोई भुल नहीं है असी कांग्रेस सरकार नू वादा किया सी कि असी तुहानू आउण वाले समें दे विच 16 सीटां नहीं लैण देणियां कदे ये दिन ना होवे भगवंत मान की सरकार नू कि ये दिन उन्होंने भी देखना पवे ईटीटी वाले का यह इतिहास है साडा बनता हक असें किसी कीमत विच भी नहीं छड़ना जे सानू साडा बनता हक ना ना मिला असी इस तो भी तिखा संघर्ष करांगे सर साडा 5 मार्च नू पेपर होया सी ईटीटी 2994 पोस्टा का जो कि सर सानू इन्होंने फ्रैश पोस्टा दित्तियां सी 2994 ते उस बाद सर हुण इन्होंने कहता कि वो बैकलॉग 2994 पोस्टा में बैकलॉग है जो कि असी इन्हों कि सानू सिंगल लिस्ट में बैकलॉग में डी रिजर्व करके 2994 पोस्टा पूरी दित्तियां जाण असी शांतमई प्रदर्शन नाल असी आपका धरना प्रदर्शन इतने करने नहीं आते सीएम को इतने आ रहे इतने ठीक है उधरों की पुलिस के गुंडागर्दी पुलिस की कीती गई जी साढ़े नाल कुड़ियां सी लेडीज़ जो कि उत्थे सर साढ़े को बकायदा वीडियो ने कुड़ियां दे जी टड्डां विच लत्तां मारियां गईयां ने कुड़ियां दी चुनियां खिंचियां गईयां जी उत्थे ही उन्होंने मन के चलो जी उत्थे बेहोश पईयां रहियां कुड़ियां उन्होंने मुंडिया ने जी लेडीज़ ने नहीं उन्होंने मुंडिया वालों पुलिस के सर सीएम साहब ने सानू कहा सी भी असी टीचर्स ते सिक्ख्या महकमा ते डॉक्टरी महकमा असी पहल दे आधार ते करांगे कि अज 5 सितंबर टीचर्स डे वाले दिन सानू आह दिन विखाणा सी साडियां भैणां मावां सड़कां ते रोलनियां सी जी सानू यही दिन विखाणे सी जे सानू यही दिन विखाणे सी सानू दस देंदे असी करदे ना पढ़ाईआं असी लखां रुपये ला के असी डिग्रियां कीतियां सर पेपर पास किए अज सू यही कुछ असी सीएम साहब न फिर असी कह रहे हैं कि साड़ियां पोस्टा पूरिया दित्तियां जाण जे नहीं दित्तियां जांदियां तां असी अणमिथे समय लई इत्थे धरना प्रदर्शन करांगे ईटीटी वालों का इतिहास उन्होंने पता ही है चाहे वह अकाली ने चाहे कांग्रसी ने सारियां नू ठीक है जी हुण सत्ता विच तुसीं आए जे 92 सीटां लैके इह ना होवे सर तुहानू अगली बारी 2 सीटां भी ना मिलन
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋਤਿਸ਼ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਾਓ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੌਧਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਗੁਪਤ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਓ ਰੁੱਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸ 'ਚ ਕਰੋ ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੁੱਟੋ ਮੈਕਸ ਪਿਆਰ 'ਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ बाबा सुल्तान जी 98 150 50 609।